जब हीरा मंडी की इस एक्ट्रेस को खोने पड़े प्रोजेक्ट, कास्टिंग काउच का किया सामना। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा इन दिनों संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर चर्चा में है। एक्ट्रेस को इस सीरीज में अहम रोल मिला है। ऋचा आज इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गई है। हालांकि करियर की शुरुआत में उन्होंने एक बार कास्टिंग काउच का सामना किया था। ऋचा ने अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले कई बार तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं यंग और बेवकूफ थी। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि हमें डिनर करना चाहिए। उस वक्त सिचुएशन को समझने के लिए मैं बहुत भोली थी और मैंने कहा कि मैं डिनर कर चुकी हूँ, और फिर उसने डिनर के लिए जोर दिया। फिर उसने अपना हाथ मेरे ऊपर फेरते हुए कहा कि हमें डिनर करना चाहिए। तब मुझे समझ आया कि वो क्या कह रहा है, फिर मैं वहाँ से भाग गई। एक्टर के तौर पर एस्टेब्लिश होने के बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं इसे बाईपास करने में कामयाब रही। मुझे यकीन है कि मैंने इस कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट खो दिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दें कि एक्ट्रेस ने 2008 में ओए लक्की लक्की होए से डेब्यू किया था। इसके बाद वो 2010 में बैनी और बबलू में दिखी। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों पार्ट में दिखी। उन्होंने फुकरे, शॉर्ट, गोलियों की रामलीला रासलीला, मसान, मैं और चार्ल्स, चौक एंड डस्टर, जिया और जिया, फुकरे रिटर्न्स, लव सोनिया, शकीला, घूम केतु, फुकरे 3, अभी तो पार्टी शुरू हुई है जैसी फिल्मों में नजर आई। उन्होंने 2022 में एक्टर अली फजल के साथ शादी की थी। अब ऋचा प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट फेज एंजॉय कर रही है। वो प्रेगनेंसी में भी जमकर काम कर रही है। हीरा मंडी के प्रमोशन में भी उन्हें देखा गया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए वाइया टॉक को भी सब्सक्राइब करें।